हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है विकास31टेक। तो फ्रेंड्स, अगर आप पेटीएम यूज़ करते हैं, पेटीएम चलाते हैं, पेटीएम से अपना मोबाइल रिचार्ज करते हैं, या फिर आप कोई ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं पेटीएम के थ्रू, या फिर आप किसी शॉप पे जाके पेटीएम से पे करते हैं, या फिर आप कोई बिल पे करते हैं पेटीएम से, तो उसमें क्या होता है, आपको पेटीएम में कुछ कैशबैक पॉइंट्स मिलते हैं जिन्हें पेटीएम फर्स्ट पॉइंट भी कहा जाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही सिखाने वाला हूँ कि आप अपने इन पेटीएम फर्स्ट पॉइंट्स को पेटीएम मनी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब आप अपने पेटीएम फर्स्ट पॉइंट्स जो आपको मिलते हैं उनको आप पैसों में कन्वर्ट कर पाएंगे, जो आपके पेटीएम वैलेट के अंदर ऐड हो जाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें ताकि आपको मेरी आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब इसमें हमें सबसे पहले पेटीएम एप्लीकेशन जो ये आपको दिखाई दे रही है इसको ओपन कर लेना है। इस पर क्लिक करेंगे, इस तरीके से ये ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो मैं इसमें सबसे पहले आपको बैलेंस दिखा देता हूँ अपना, मेरे वैलेट में कितना बैलेंस है। तो उसके लिए हमें यहाँ पर क्या करना होगा, जो ये माई पेटीएम लिखा है इसके नीचे ये बैलेंस एंड हिस्ट्री, पेटीएम बैंक और पेटीएम वैलेट है, तो हमें इसके ऊपर क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं अभी मेरे पेटीएम में 0 रुपीज़ हैं, कोई भी बैलेंस नहीं है। ठीक है, फिर हमें यहाँ से बैक आ जाना है। उसके बाद आपको कैशबैक पॉइंट्स को कैसे कन्वर्ट करना है पेटीएम मनी में, वो मैं आपको सिखाता हूँ। अब कैशबैक पॉइंट्स तक पहुँचने के लिए आपको दो तरीके हैं। या तो आप यहाँ पर 3 डॉट्स पर क्लिक करके, ये जो 3 लाइन्स है लेफ्ट में जहाँ पे प्रोफाइल पिक है, इस पर क्लिक करके ऑप्शन आएगा, या फिर आप इसे स्क्रॉल डाउन करें और यहाँ पे आप देख सकते हैं कैशबैक एंड ऑफर्स का एक ऑप्शन आपको दिखाई देता है, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ से आप देख सकते हैं मेरा टोटल कैशबैक अब तक आ चुका है 590 और यहाँ पर मेरे कैशबैक पॉइंट्स आपको दिखाई दे रहे होंगे 3547, मतलब 3547 पॉइंट्स हैं मेरे यहाँ पे कैशबैक पॉइंट्स, जो मुझे स्क्रैच कार्ड करने से, कूपन्स उनसे मिले हैं, जो भी मैंने इसे यहाँ पे बिल पे किया है वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाता है। जैसे मैं इस कैशबैक पॉइंट्स के ऊपर अगर क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये मुझे सारी चीज़ें दिखा रहा है कि ये मुझे रिचार्ज करने से मिले हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करने से मिले हैं। तो यहाँ पर सारी डिटेल्स दिखा देगा आपको कि आपको कहाँ से कितने पॉइंट्स मिले हैं। जैसे यहाँ से मुझे 50 मिले थे, तो अभी ये बैक आ जाएंगे हम। अभी इसमें हम यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पे ये जो आपके सामने स्क्रीन है, जो ये बैनर 1 बाय 1 स्क्रॉल हो रहे हैं, इसमें आपको स्क्रॉल करना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कन्वर्ट कैशबैक पॉइंट्स इंटू पेटीएम बैलेंस, तो इसके ऊपर हमें क्लिक कर देना है। तो जैसे हम क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको सारी डिटेल दे रखी है। यहाँ पे 5 रुपीज़ हैं पर 500 के, 5 रुपीज़ हैं, 1000 के, 1000 जो कॉइन्स हैं उनके 10 रुपीज़ हैं, तो यहाँ पे 5000 के 50 रुपीज़ हैं। मतलब अब जब आपके 5000 कॉइन्स पेटीएम कैशबैक पॉइंट्स या पेटीएम फर्स्ट पॉइंट्स हो जाएंगे तो आपको ये 50 रुपये में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। इसमें मैं आपको ये सबसे ऊपर वाला 500 वाला करके दिखाता हूँ। इसमें आपको स्वाइप टू रिडीम, इसके ऊपर स्वाइप करना है, क्लिक कर देंगे, ऐसे स्वाइप कर देंगे। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं पेटीएम गिफ्ट वाउचर एडिड सक्सेसफुली, 5 रुपीज़ मेरे पेटीएम वैलेट में आपको यहाँ पे दिख भी रहे होंगे। मैं आपको अपने पेटीएम बैलेंस भी दिखा दूंगा, यहाँ से आप इसकी डिटेल पे जा सकते हैं कि गिफ्ट वाउचर से हमें ये मिले हैं। ठीक है, उसके बाद मैं आपको अपने बैलेंस चेक करके दिखा देता हूँ। इसे कैंसिल कर देंगे और यहाँ पे ऊपर आएंगे, यहाँ पे माई पेटीएम के अंदर आएंगे और यहाँ पे ये टॉप अप, ये पेटीएम वैलेट वाला जो थर्ड ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं अब मेरा अवेलेबल बैलेंस 5 रुपीज़ हैं। तो इस तरीके से आप अपने कैशबैक पॉइंट्स, जिन्हें हम फर्स्ट पॉइंट्स भी कहते हैं, उनको आप पेटीएम मनी में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो इसे लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें।
थैंक यू।